सो दोस्तों, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसके अंदर हम रेशियो, प्रोपोर्शन, अपॉन, फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज, इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज परसेंटेज। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया। अब मैं छोटे छोटे एक दो एग्जाम्पल लूंगी कि लेट्स से हमें एग्जाम में 25 मार्क्स में से फॉर एग्जाम्पल 7 मार्क्स आए। कोई बच्चा कमजोर होता है, उसे कम नंबर भी आ जाते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसे कितने परसेंट मिले, मीन्स टीचर ने उसको 7 आउट ऑफ 25 दिया है, अगर हमें इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं? तो मैंने आपको क्लियर बताया, जब भी हमें परसेंटेज में मार्क्स निकालने हैं या कोई भी चीज परसेंटेज में निकालनी है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हमने 1 लगा लिया, फ्रैक्शन इक्वल कर दिया। 25 फोर ज़ा 100, 7 फोर ज़ा 28। तो आप कहेंगे मैम, जो भी बच्चा है, जो भी स्टूडेंट है, उसे 28% मार्क्स आए हैं। अगर हम किसी को ये बताएं कि आपके बच्चे को 28% मार्क्स आए हैं, तो हम इससे कंक्लूजन भी दे सकते हैं कि बच्चा थोड़ा पुअर है, उसे मेहनत करने की ज़रूरत है ना, उसको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसी 25 में से किसी स्टूडेंट को 20 आए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 20 अपॉन 25 × 100, सेम प्रोसीजर, 80%। अब अगर हमारे सामने ये दो रिजल्ट्स हैं तो हम क्लियरली उनके पेरेंट्स को या क्लास में बता सकते हैं कि दिस स्टूडेंट इज बेटर देन दिस स्टूडेंट। स्टूडेंट तो सभी अच्छे होते हैं, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये थोड़ा बेटर है, उस स्टूडेंट को थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो हमने देखा, अभी हम एक्सरसाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अब हमें परसेंटेज निकालना तो आ गया, बट अगर हम इसका वाइस वर्सा ले लें, किसी स्टूडेंट को 80% मार्क्स मिले, 25 मार्क्स का पेपर था, तो उसे कितने मार्क्स मिले? नाउ माई क्वेश्चन इज कंप्लीटली चेंज। 25 मार्क्स का पेपर था, लेट से हम अनिल की बात करें, अनिल गॉट 80% मार्क्स, पेपर जो पेपर था उसके मार्क्स कितने हैं, 25, तो उसे कितने मार्क्स मिले होंगे, 15, 16, 20, 25, 24, 0, हमें नहीं पता कि अनिल सिक्योर्ड हाउ मच मार्क्स। अनिल को 24 भी मिल सकते हैं, 8 भी मिल सकते हैं, 9 भी, 10 भी, 11 भी, 12 भी, वो फाइंड करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें डिफरेंस समझ में आना चाहिए। यहां हमें दोनों मार्क्स पता है कि टोटल पेपर कितने मार्क्स का था एंड स्टूडेंट गॉट कितना मार्क्स, ठीक है। इन दिस केस स्टूडेंट का हमें परसेंटेज पता है। स्टूडेंट मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, हालांकि आप 6th और 7th में भी इसे पढ़ चुके हैं, बट अभी ये और आगे की फर्दर क्लासेस में भी लगेगा, बहुत ही बेस टॉपिक है, तो इस पे हम बहुत मेहनत करेंगे। हमें यहाँ पर परसेंटेज किसी के दिए हुए हैं और वो कितने मार्क्स सिक्योर्ड किए पता करना है, तो ये केस डिफरेंट हो जाएगा। अब 80% है, परसेंट का साइन जब भी रिमूव होगा तो वो अपॉन में 100 में जाके कन्वर्ट होता है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ऑफ हमेशा मल्टीप्लाई से रिप्लेस होता है एंड द टोटल मार्क्स आर 25। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हमने लगा लिया, 4 से इसको कट किया, कितना आया, 20। नाउ यू कैन कॉन्फिडेंटली से कि आपका जो भी स्टूडेंट का नाम क्या लिया था हमने, अनिल, अनिल गॉट 20 मार्क्स आउट ऑफ 25। इस केस में हमें उसके नंबर नहीं पता थे, बट स्टिल हमने उसके नंबर को पता कर लिया, ठीक है। तो अगर किसी के परसेंटेज दिए हैं तो हम उनका नंबर पता कर सकते हैं या वो भी जो भी वैल्यू पता कर सकते हैं, और अगर किसी की वैल्यूज दी हैं तो हम उनका परसेंटेज पता कर सकते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल्स लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक को। पहले हम दो तीन छोटे एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड 12% ऑफ 1200। वैसे तो ओरली इसका आंसर आना चाहिए बट स्टिल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। 12% का साइन रिमूव हुआ तो वो अपॉन में 100 में कन्वर्ट हुआ, ऑफ रिमूव हुआ इट विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई अपॉन 1, दो जीरो से जीरोस कैंसिल, 12
ट्वेल्व जो है 144, लेट से रुपीज होता तो इसका आंसर रुपीज में जो भी यूनिट दी थी, बट यहां पर नहीं है तो हम इसे प्लेन छोड़ देंगे, ठीक है। सेकेंड इज 20% ऑफ 800, सिर्फ प्रैक्टिस सम्स है तो हम बहुत स्पीड में लेंगे, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हमने वन लगाया, जीरो जीरो कैंसिल, जो भी यूनिट दी होगी वो यूनिट आ जाएगी। इसको आप ओरली भी ट्राई कर सकते थे, 8 2 जा, तो इसका आंसर 16 से रिलेटेड होगा, जीरोस आपको कैलकुलेट करके देखना होगा, ठीक है ना। अनदर एग्जाम्पल इज, अब हम थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं, इफ 23% ऑफ एक्स इज 46, देन फाइंड एक्स। अब जो हमने अभी ओरली सॉल्व किए उनसे ये थोड़ा सा अलग है, 23, इफ अगर 23% ऑफ एक्स 46 है तो एक्स क्या होगा, जैसा हमने प्रोसीजर बताया हम वैसा फॉलो करेंगे, परसेंटेज को रिमूव किया तो डिनोमिनेटर में 100 लगा, ऑफ को हटाया तो मल्टीप्लाई, एक्स की प्लेस में एक्स। मैंने आपको पहले भी लीनियर इक्वेशन और कई सारे चैप्टर में बताया, इज आर वॉज वर विल शैल, जहां भी ब्रेक आते गेट्स ही गेट्स, तो इन सब का मतलब किससे रिप्लेसमेंट होता है, इक्वल्स टू से। ये बन गई आपकी देखिए कितनी इजीली इक्वेशन, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन का ब्रेक है और ये ब्रेक जो फॉर्म हुआ वो इक्वल टू में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, हमने ट्रांसपोज पढ़ा हुआ है, डिनोमिनेटर जब राइट साइड जाएगा जो निकालना है वो हमने लेफ्ट में रखा, जो नहीं चाहिए वो सारा हम कहां शिफ्ट करते हैं ट्रांसपोजिशन में, राइट में। डिनोमिनेटर जाता है न्यूमरेटर में एंड न्यूमरेटर कन्वर्ट होके जाता है डिनोमिनेटर में। 23 की टेबल से डायरेक्ट हो रहा है सॉल्व, तो एक्स इक्वल टू 200, मतलब 200 का 23% अगर हम निकालें तो वो 46 होता है। हम इसको चेक करके देखें तो आपकी दोनों तरह से प्रैक्टिस होगी, 200 का हम 23% फाइंड करेंगे और इसको लैंग्वेज में लिखें 23% ऑफ 200। देखिए 23 अपॉन 100 इंटू 200, ठीक है, 100 टू जा 200, 23 टू जा 46, मींस इफ यू हैव 200 रुपीज एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट 23% ऑफ 200 रुपीज, देन इट इज इक्वलेंट टू 46 रुपीज। बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स हैं ये, बट ये मेजर कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का, तो इसको जितना प्रैक्टिस आप करें उतना कम है। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड एट मैथ्स। एक क्लास है उसमें 25 स्टूडेंट्स है, उसमें से 72 स्टूडेंट गुड है, तो रेस्ट क्या है, गुड नहीं है पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैथ्स में, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। मेरे लिए तो सारे बच्चे एक जैसे हैं, ठीक है। हाउ मैनी आर नॉट गुड एट मैथ्स, ऐसे तो हम ओरल भी कर सकते हैं। 72% गुड है, टोटल परसेंटेज कितना अज्यूम करते हैं हम 100, तो 28% क्या है, नॉट गुड एट मैथ्स, ठीक है। यू कैन से दे आर पुअर और एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट गुड नहीं है क्योंकि गुड का परसेंटेज दे हैव क्लियरली टोल्ड 72%। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमारी इक्वेशन में ही सॉल्यूशन इसी में छुपा हुआ है, 72% ऑफ 25, 72% का साइन हटाया, ऑफ लगाया, इसको कटापिटी करी, 25 4 जा 4 1 जा एंड 4 8 जा 32, सो 18 स्टूडेंट्स आर गुड एट मैथ्स, ये क्लियर हो गया। बट उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने क्या पूछा है, कितने गुड नहीं है, ये जो हमारा आया 18 स्टूडेंट्स आर
गुड एट मैथ्स, बट ये हमारा आंसर नहीं है। अब आप लिखेंगे देयर आर टोटल 25 स्टूडेंट्स इन दैट इक्वेशन। ये स्टेटमेंट्स आप वैसे खुद भी बना सकते हैं, इन दैट 18 आर गुड एट मैथ्स, सो रेस्ट स्टूडेंट, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कितने हुए, 25 माइनस 18 आर नॉट गुड एट मैथ्स। क्लियर हो गया। अब 25 में से 18 हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आएगा, 7 स्टूडेंट। 7 बच्चे ऐसे हैं क्लास में जो थोड़ा उन्हें मेहनत करने की जरूरत है 25 में से, ठीक है। और परसेंटेज वाइज अगर इसका आंसर दें तो क्या होगा, 28%। अब हम वो भी निकाल के देख लेते हैं, यहां पर नहीं पूछा है, ये हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगर हमने कहा कि 7 स्टूडेंट जो है दे आर नॉट गुड एट मैथ्स आउट ऑफ 25 स्टूडेंट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नॉट गुड स्टूडेंट्स इन मैथ्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 7 अपॉन 25, बिकॉज 7 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं और ये नॉट गुड वाले हैं, 100 28%। मैंने आपको इनिशियली जब क्वेश्चन समझाया था तभी बता दिया था कि 72% अगर गुड है तो 28% नॉट गुड है। ओरली हमने कर लिया था बट स्टिल हमने इस क्वेश्चन के थ्रू किया, हमने पहले वो स्टूडेंट पता करे जो मैथ्स में गुड नहीं है, वो हमारे पास कितने आए, 7। जब हमारे पास 7 स्टूडेंट्स आ गए और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 25, तो हमने उनका परसेंटेज निकाला तो भी कितना आया, 28%। तो परसेंटेज जो है बड़ा मजेदार होता है और हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होता है, ठीक है। नाउ अनदर इज अ फुटबॉल टीम वन 10 गेम्स फ्रॉम द टोटल दे प्लेड। एक फुटबॉल टीम है टेन गेम्स वो जीत गई, टोटल जितने भी उन्होंने खेले, फ्रॉम द टोटल दे हैव प्लेड। हमें नहीं पता वो कितने गेम खेले, 50, 100, 200 नहीं पता है, तो हम उसे एक्स अज्यूम कर लेंगे बिकॉज वी डोंट नो द हाउ मेनी नंबर ऑफ गेम्स दे हैव प्लेड, ठीक है। दिस वॉज 40% ऑफ द टोटल। चलिए उन्होंने क्लू दे दिया है, दिस वॉज द 40% ऑफ द टोटल। हाउ मैनी गेम्स दे वर प्लेड इन ऑल, दे वर प्लेड इन ऑल। हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे द टोटल नंबर ऑफ, जैसा मैंने आपको बताया, गेम्स, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कितने गेम खेले, दे हैव प्लेड एज और बी एक्स। 50 गेम हो सकते हैं, 70 गेम हो सकते हैं, 100, 120, 130 हमें नहीं पता। तो टोटल नंबर ऑफ गेम्स जितने भी हैं उसमें से वो 10 गेम्स जीते हैं, ये क्लियर हो गया है। एक साइड में अगर हम देखें, लेट से 100 गेम्स हैं, 100 वो खेले, तो 100 में से कितने जीत गए हैं वो, 10। अगर इसको हम मार्क्स में ऐसे समझने के लिए कर दें तो 100 मार्क्स में से उन्हें कितने मार्क्स मिले हैं, 10, ठीक है। ये तो मैं आपको सिर्फ समझने के लिए बता रही हूं, बाकी ऐसा है, ऐसा करना नहीं है हमें। सो हमारे पास क्लू दिया हुआ है, दिस वॉज 40% ऑफ द टोटल गेम, तो हम इक्वेशन बना लेंगे, 40% ऑफ टोटल इज एक्स, क्लियरली दिया है, इज 10 गेम्स। ये खुद कह रहे हैं जो 10 गेम खेले हैं वो 40% ऑफ द टोटल गेम है, तो इक्वेशन हमारी अपने आप ही फॉर्म हो गई।
40% ऑफ टोटल गेम्स इज इक्वल टू जितने गेम वो उन्होंने खेला। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 40/100 इंटू एक्स इक्वल टू 10। एक्स को हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे बिकॉज इट इज़ अननोन क्वांटिटी, एंड बाकी सारी हम ट्रांसपोज करेंगे। डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, न्यूमरेटर जो है वो डिवाइड में। 2 2 2 5 2 5 25 गेम्स आया। मींस टोटल नंबर जो वो थे गेम्स के वो 25 थे, एंड उसमें से दे हैव प्लेड ओनली 10 गेम्स, 15 दे हैव स्किप्ड, दे कुड नॉट प्ले, रीजन कुछ भी हो सकता है। वो 25 गेम्स में से उन्होंने केवल 10 गेम्स खेले, जो 40% होता है। ठीक है, तो ये था सिंपल से क्वेश्चन। ना अनदर गुड एग्जाम्पल इज इफ चमेली हैड 600 रुपीज लेफ्ट, इफ चमेली हैज हैड लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड ही शी हैव इन द बिगिनिंग ये तो हमारा डेली का रूटीन लाइफ एग्जाम्पल है। हमको हमारे पेरेंट्स पॉकेट मनी देते हैं, राइट? उस पॉकेट मनी हमें नहीं पता कि कितनी देते हैं, बट देते हैं, ये कंफर्म है, सबको पॉकेट मनी मिलती है। उस पॉकेट मनी से 75% शी हैज स्पेंड, और हमने 75% जो है वो स्पेंड कर दिया, मूवी चले गए, पिज्जा खा लिया, पार्टी कर ली, खत्म हो गए। वो जब 75% खर्च कर दिए, स्पेंड कर दिए, तभी भी हमारे पास पॉकेट मनी में से कितने रुपए बचे हैं? 600 रुपीज बचे हैं। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है इसमें कि इसका क्लियर मतलब है कि पॉकेट मनी इससे ज्यादा होगी, क्योंकि इतना सारा पार्टी करने के बाद, खर्चा करने के बाद, मनी स्पेंड करने के बाद भी शी हैज 600 रुपीज लेफ्ट, यानी अभी भी उसके पास 600 रुपये बचे हुए हैं। ठीक है, तो यानी उसकी पॉकेट मनी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। वो उतने ज्यादा अमाउंट में से उसने 75% खर्च कर दिया। वो पॉकेट मनी क्या हुई? तो हम उसे क्या अज्यूम करेंगे? एक्स। तो देखिए क्वेश्चन का मतलब आपको क्लियर हो गया, तो इसका सॉल्यूशन कितना सिंपल होगा। लेट शी हैड एक्स रुपीस, उसके पास एक्स रुपीस है, 75% शी स्पेंट 75% ऑफ दिस अमाउंट। तो सबसे पहले हम बचा हुआ अमाउंट लिख लें, मीन्स हाउ मच अमाउंट शी सेव्स और हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट। शी सेव्स 25% ऑफ दिस अमाउंट। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। 100% टोटल होता है, उसमें से 75 आई हैव स्पेंट, सो 25% आई हैव सेव्ड, और 25% इज लेफ्ट, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो 75 खर्च कर रही है तो 25% उसके पास बचा हुआ है, और बचे हुए की कंडीशन हमें दी हुई है, तो नाउ व्हाट विल डू, 25% ऑफ टोटल अमाउंट, तो लेफ्ट अमाउंट कितना है? 600 रुपीज। ये इक्वेशन बनेगी। यहां 25 क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये लेफ्ट अमाउंट है, तो लेफ्ट अमाउंट वाली इक्वेशन बना रहे हैं, तो यहां पर जो लेफ्ट अमाउंट है उसके पास वो इक्वेशन में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना सिंपली सॉल्व हो जाएगा, 25/100 इंटू एक्स इक्वल टू 600। इसको हम यहां कंटिन्यू करते हैं, एक्स इक्वल टू 600 इंटू 100 अपॉन 25,
25 4 is 100, 6 4 is 24. Means उसके parents उसे 2400 rupees as pocket money देते हैं, उस 2400 में से वो 75% स्पेंड कर देती है, मींस 1800 रुपीस उसने स्पेंड कर दिए। ये आंसर कैसे दिया मैंने वो देखिए, अगर हमें इसी क्वेश्चन में अगर पूछते कि स्पेंड मनी कितना हुआ, तो स्पेंड मनी होता है 75% ऑफ, ये एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन में नहीं है, टोटल टोटल कितना निकल चुका है हमारा 2400। देखिए इसको निकालिए, 75 अपॉन 100 इंटू 2400, जीरो से जीरो कैंसिल हो गए, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट विल इक्वल टू 1800 रुपीस। 2400 रुपीस में से 1800 रुपीस तो वो पिज़्ज़ास, मूवीज एंड गेम्स एंड पार्टीज में स्पेंड कर देती है। अब 600 रुपीस वो बचाती है, मींस 25% ऑफ द अमाउंट वो सेव करती है या उसके पास बचा हुआ है। ना 78.8% ऑफ अ कॉमन मेडिसिन, सब लोग मेडिसिन खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ ड्रग्स के कंटेंट होते हैं, ठीक है। 78.8% ऑफ कॉमन मेडिसिन फॉर स्टमक अपसेट्स इज एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल 3.3% ऑफ इट इज मेंथा ऑयल। ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो सेवन परसेंट इज स्पीयरमिंट ऑयल। 0.177% is chloroform. 30 ml। क्वेश्चन पढ़ने में बहुत लेंदी है, बट अगर इसका प्रैक्टिकल मैं डायग्राम बनाऊं, आप सभी लोगों को कफ कोल्ड होता है और या स्टमक है या कुछ भी होता है, तो इतनी छोटी सी बॉटल आती है 30 ml की, उस 30 ml की बॉटल में सिरप होता है, ठीक है। उस सिरप में कितने सारे कंटेंट्स होते हैं देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिए हैं। उस लिक्विड सिरप में 78.8% तो आपका कॉमन मेडिसिन है, फिर 3.3% मेंथा ऑयल है, 0.0% स्पेयरमिंट ऑयल है, इन सब के बारे में मैं नहीं जानती हूँ, 0.177% क्लोरोफॉर्म है जिससे थोड़ी सी नींद आती है। तो जनरली आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा कंटेंट स्लीपी का भी रहता है, ठीक है। तो ये जो लिक्विड हमें 30 ml, मतलब हार्डली इतना सा, उस लिक्विड के अंदर भी क्या क्या है वो सारा कन्फिगरेशन दिया हुआ है, और टोटल लिक्विड कितना है 30 ml, ये क्लियर हो गया है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर बॉटल में 30 ml है, उसमें से हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक 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 कंटेंट की बात करेंगे। 78.8% ऑफ 30 ml इज जो भी लिखा है कॉमन मेडिसिन फॉर स्टमक, अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल, सॉरी 78.8% ऑफ 30 ml इज
एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो हम इसका नंबर निकाल लें, ये तो परसेंटेज में दिया हुआ है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे, परसेंट का साइन रिमूव करेंगे, तो 100 लगेगा अपॉन में इनटू 30 से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टोटल क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मेडिसिन इज 30 ml। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 23.64 यूनिट आएगी ml में, क्योंकि हम लिक्विड की बात कर रहे हैं तो मिलीलीटर में आ गए। ये था एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल कितना है, तो वो हमने ml में निकाल लिया, 23.64, यानी इस बॉटल के अंदर अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी है, 23.64। नाउ सेकेंड इज 3.3% ऑफ इट इज मेंथा ऑयल, तो हमारा जो पार्ट होगा अमाउंट ऑफ मेंथा ऑयल कितना परसेंट दिया है, 3.3% ऑफ जो भी कैलकुलेट होगा वो 30 ml से होगा, क्योंकि टोटल बॉटल में कितना है 30 ml, 3.3 upon 100 into 30। इसको सॉल्व करेंगे, इसका डेसिमल हटाया, यहाँ जीरो आया, ये जीरो जीरो कैंसिल, 33 3 99 upon 100 means 0.99 ml, राइट। नाउ थर्ड इज अमाउंट, चार तीन चार कॉन्फ़िगरेशन है इसके, अमाउंट ऑफ स्पेयरमेंट ऑयल कितना परसेंट दिया है, 0.07% ऑफ 30 ml। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0.07 upon 100 इंटू 30, डेसिमल हटाएंगे, दो जीरोस और हो जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0.021 ml। जो जो आंसर आए हैं मैं उनको हाईलाइट कर देती हूँ, ये कंटेंट आया है, ये कंटेंट आया है, और एक ये आया है। ठीक है, अब एक और बचा है ये वाला क्लोरोफॉर्म, तो हम इसे यहाँ साइड में कर लेते हैं, अमाउंट ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, कितना परसेंट दिया है, 0.177% ऑफ 30 ml। अब इसे हम हटाएंगे, 0.177 upon परसेंट का साइन हटाया, 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 30 ml, इसका डेसिमल हटाएंगे तो विल गेट 3 0s 1 0 विल कैंसिल, एंड फाइनली जब ये सॉल्व होगा तो इट इज इक्वलेंट टू 0.531 ml। दिस इज योर फोर्थ कंपाउंड, मीन्स इस बॉटल में ये जो चार पांच कंपाउंड्स दिए हुए हैं वो नंबर में अब निकल चुके हैं कि इतना ml ये है, इतना ml ये है, इतना ml ये था, और पहले काय में दिया हुआ था परसेंटेज के फॉर्म में। तो स्टूडेंट ऐसे हम एग्जाम्पल करते जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज अ नर्सरी हैज 500 प्लांट्स। एक नर्सरी की बात कर रहे हैं एंड इट हैज 500 प्लांट्स, 5000 प्लांट्स, 5% ऑफ प्लांट्स आर रोजेस, 1% आर मैंगो, 1/2 ठीक है। नर्सरी आप सबको पता है, नर्सरी में क्या होता है, ढेर सारे प्लांट्स होते हैं, मैंगो के, नीम के, तुलसी के, बहुत सारे, मुझे भी नहीं पता रोजेस के, देर आर सो मेनी प्लांट्स इन नर्सरी। उसमें से कुछ प्लांट्स रोजेस के हैं, उनका परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स,
हमें ये गिवन है कि एक नर्सरी के अंदर टोटल 5000 प्लांट्स हैं, ये तो कंफर्म हो गया। उस 5000 में से रोजेस दिए हुए हैं 5% ऑफ टोटल, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 5 upon 100 into 5000, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 5 5 are 25, 250 प्लांट्स किसके आ चुके हैं, रोजेस के। 5000 प्लांट में से 250 प्लांट्स रोज के हैं, ये हमें क्लियर कट पता चल गया है। सेकेंड नंबर ऑफ मैंगो कितना दिया हुआ है, 1% ऑफ टोटल, ठीक है। तो क्या होगा, 1 upon 100 into 5000, दो जीरो से दो जीरो कट डाउन, 50 प्लांट्स आर मैंगो प्लांट्स। अब हमारा क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता है, हमें रोजेस कितने हैं पता चल गया है, मैंगो के प्लांट्स कितने हैं ये पता चल गया है, हमें टोटल पता है कितना है, तो हमें रेस्ट ऑफ दी प्लांट्स पता करना है, अदर प्लांट्स, नंबर ऑफ अदर प्लांट्स। तो हम क्या करेंगे, पहले रोजेस एंड मैंगो प्लांट्स कितने हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे। नंबर ऑफ रोजेस एंड मैंगो प्लांट्स आर 250 प्लस 50 मीन्स 300 प्लांट्स, तो ये दोनों वैरायटी के हो गए। टोटल प्लांट्स कितने थे, 5000। तो अब आएगा नंबर ऑफ अदर प्लांट्स, नंबर ऑफ अदर प्लांट्स इज टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स माइनस मैंगो प्लस रोजेस, राइट। तो ये हो जाएगा 5000 माइनस, ये हमने ऑलरेडी प्लस कर लिया है, कितना आ चुका है 300। 4700 प्लांट्स अभी भी नर्सरी में हैं, जो कुछ और वैरायटी के हैं, ना वो रोजेस हैं ना वो मैंगो हैं, माइट बी तुलसी है, नीम है, कुछ भी, गुआवा है, मुझे भी नहीं पता क्या क्या प्लांट्स होते हैं, क्या क्या वैरायटी होती है, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत वीक हूँ। बट जितने भी प्लांट्स हैं उसमें 4700 प्लांट्स ऐसे हैं जो रोज और मैंगो नहीं है, ठीक है।